अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे। 14 अगस्त सेलिब्रेशन चल रही होगी, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। और जी हाँ, हम भी थोड़ा सा तैयार हुए हैं क्योंकि इंडिपेंडेंस डे चल रहा है और हर घर में बहुत ज़्यादा तैयारियां भी हुई होंगी और लोग जो है वो सेलिब्रेट। लेकिन मुझे यकीन है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन हमें जो है वो विश कर रहा है, हमें बता रहा है जी। तो दूसरी बात ये आपसे करनी थी कि हमें ज़रूर बताइए क्या क्या आपको आज का हमारा जो ये था, छोटी सी जो हमारी एफर्ट थी, वो आपको कैसी लगी। देखिए, अप्रिसिएशन के बगैर जो है वो कोई चीज़ नहीं चलती, पेट्रोल चाहिए होता है गाड़ी को भी चलने के लिए। और हमें आपके कमेंट्स, सब्सक्रिप्शन और लाइक्स चाहिए। आपकी लाइक्स बहुत मैटर करती हैं, आपके प्यारे प्यारे जो मैसेज हैं वो हमारे लिए एक, वो कहते हैं ना कि फ्यूल है हमारे लिए, पेट्रोल है हमारे लिए। जैसे आप गाड़ी बंद हो जाती है तो उसमें जब डालते हैं तो फ़ौरन चल पड़ती है, स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्कुल आपके मैसेजेस भी हमारे लिए वैसे ही हैं। हमने अपने इंस्टाग्राम का जो है वो भी लिंक आपसे शेयर किया है, हमें वहाँ पे भी ज़रूर जो है वो आप फॉलो करें और हमें बताएं कि आपको जो है वो हमारी ये छोटी छोटी एफर्ट्स जो हैं वो कैसी लग रही। हमने बस छोटी सी कोशिश की है कि बस घर में थोड़ा सा जो है वो अरेंज किया है जी। हो गए इनकी शौकियाँ स्टार्ट। तो सॉरी, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ना मैं नहीं पहन सकती। खैर, तो जनाब हमें ज़रूर बताएं कि आप लोग जो है वो अपना 14 अगस्त जो है वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम भी थोड़ा सा तैयार हो गए। हम बस घर में ही हैं और थोड़ा सा घर में ही हमें तैयारी की है। बस वही कहते हैं कि लड़कियों के लिए ही बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि वो थोड़ा सा तैयार होकर जो है वो घर में खेल रहे हैं। तो यही बहुत होता कि बंदा बाहर ही जा कर सेलिब्रेट करे। जी बिल्कुल, सेलिब्रेशन या खुशी जो है उसका ताल्लुक आपके अपने होते हैं, जिनके साथ आप वक्त गुजारते हैं, जिनके साथ आप रह रहे होते हैं, उनके साथ रहना ही एक बहुत बड़ी सेल्फ सेलिब्रेशन होती है। बाकी हमें अपने हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या किया 14 अगस्त वाले दिन, किस तरह सेलिब्रेट किया। देखें, ये जो मखसूस दिन होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जैसे 14 अगस्त हो गया, ईद हो गई, इसी तरह के आगे भी, तो इनको भरपूर तरीके से आप ज़रूर मनाया करें। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि हम अगले साल इसको इस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्यों? हमें वक्त का नहीं पता, हमें अपनी ज़िंदगी का नहीं पता। तो थोड़ी सी ये बात कि खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए आपको किसी दिन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुश रहें, सेलिब्रेट करें, चाहे किसी की बर्थडे क्यों ना हो। क्योंकि आज 14 अगस्त है और आज़ादी, जश्न आज़ादी जो है वो हम मना रहे हैं, तो ज़ोर शोर से तो कुछ फ्रेंड्स जो बाहर रहते हैं, जो दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने हमें जो है वो आज़ादी की मुबारकबाद जो है वो वीडियो के मैसेज जो हमें भेजे हैं। हमें बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हुए हैं जनाब, और वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, जो कि उन्होंने हमें बहुत प्यार से बना के भेजी हैं। हम चाहते हैं कि वो हम आपके साथ भी शेयर करें, तो इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि साथ में जो है वो कुछ ने तो हमें इंग्लिश में और साथ में अपनी लैंग्वेज में, अपनी कंट्री जो मदर टंग है उनकी, उसमें भी उन्होंने भेजी है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज में बना के भेजी है, बट कोई नहीं, आपको समझ तो आ जाएगी ना जी। छोटा सा ये है जनाब हमारा बीबी, और ये हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा है, ये हमारा छोटा सा बेबी। उसे बहुत एक्साइटमेंट है, सबसे ज़्यादा घर में ये एक्साइटेड है क्योंकि आज हमारे बेबी ने भी जो है ना वो 14 अगस्त के हिसाब से कपड़े पहने हुए, और उसकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये जो सारा केक है वो पकड़ ले और उसके साथ बस कुछ कर ले। अभी वो हैरान हो रहा है कि इतना सेटअप लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, उसे क्यों कुछ पता ही नहीं। आप उसको देख सकते हैं, लुक एट हर एक्सप्रेशंस। बेबी से हेलो, हाय, हेलो। चलिए जी, अच्छा ये है हमारी महवीन फातिमा, और माशाल्लाह माशाल्लाह सितंबर में ये साल की हो जाएगी। ये मेरी भतीजी है और दुर्शावार की कज़न। ये भांजी है और ये है भतीजी, और ये हमारी जान है। ये हमारा छोटा सा बेबी है, बहुत प्यारा सा बेबी है। ये बहुत खुश है कि मैं आज इनके मतलब वीडियो में शामिल हो गई हूँ। और ये हमारा जो नजर आ रही है ना, ये हमारा स्पेशल गेस्ट है ये। भाई आज का जो दिन है ना, चल बात करते हैं।
से पहले पाक लगा के बस इतना कह मेरा जनाब। मुझे यकीन है कि आप लोगों को जो है वो आज का जो भी हमारा प्रोग्राम है वो अच्छा लगा होगा, और हमें आप ज़रूर बताइएगा कि आपने अपनी सेलिब्रेशन कैसे की, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार होता है। और यहाँ पर एक्चुअली एक स्पेशल मैसेज है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत जी। तो अब आप हमें जनाब जाने का हमारे वक्त है और हम अब बस निकलते हैं, आपको खुदा हाफिज़ बोलते हैं। वैसे नहीं जाना हमने कहीं पर, हाँ, बहुत फैसले, लेकिन सिर्फ आपको हम थैंक यू बोलेंगे और आपको खुदा हाफिज़ बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ ज़रूरी जो है वो मैसेज है मेरे उन तमाम फ्रेंड्स के लिए जो कि दूसरे मुल्कों में रहते हैं, और उन्होंने मुझे ढेर सारी विशेज भेजी हैं 14 अगस्त के हवाले से, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एक जोश और ख़ुशी महसूस हुई कि दे ऑल रिमेंबर मी इन देयर विशेज़ एंड प्रेयर्स। स्पेशली जब से मतलब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, बिल्कुल जब से हमने ये इनिशिएटिव लिया है तब से दे आर वेरी हेल्पफुल एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड दे आर गिविंग मी सो काइंड जेस्चर। So here I would like to thanks to all of them, like they are living in different countries, they send me so many messages via video and some text messages and voice notes. So I'm really delighted, I'm feeling like so much, you know, energetic that I can do so many good things now. So this feedback is really a you know, and energy pills, they are giving me so much energy to do more good things. So thank you so much to all of you, like you all are on my back and you all are very encouraging, you all are giving me so much positive messages, positive attitude, and especially feedback response. They were so much happy when I discussed with them, and they sent me so many messages. Inshallah, you will see, you guys all will see, and actually that was a surprise. That was a surprise for this whole video, and that's why we make it so special, because they asked me whenever you will make this video, so must share with us. हमारी ये जो वीडियो होगी ये 2 पार्ट्स में होगी, आप क्योंकि ये बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी जी। तो फर्स्ट पार्ट यू गाइस विल एंजॉय विद अस इंशाल्लाह, एंड द सेकंड पार्ट आल्सो। सो वी विल अपलोड दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट एंड सेकंड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, यू गाइस जस्ट स्टे विद अस एंड जस्ट गिव अस गुड एंड पॉजिटिव फीडबैक। इट्स वी आर ऑलवेज वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन एंड लाइक्स एज वेल, प्लीज मस्ट एंड शेयर विद अदर्स एज वेल, बिकॉज लाइक्स शेयरिंग एंड मेंशन अस, विदाउट दिस वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सो एप्रिसिएशन गिव यू सो मच एनर्जी एंड वी नीड इट राइट नाउ, and especially my all other fans, I'm really happy for like all of them. Yes, I'm really happy, so thank you and so much guys, thanks to all of them. Yes, and especially from China, from Egypt, Azerbaijan, from Russia, from Tajikistan, from Iraq, India as well, they sent me also, and I was like so much surprised and I was so happy when I received those messages. Inshallah, I will share with all of you. चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच। अब हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह।
रखे किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हाँ जी प्लीज। और अच्छा आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हमें क्या किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि पर्सनली आई फील के समटाइम अगर आप कोई बात करते हैं किसी भी टॉपिक पे, सोशल टॉपिक पे, तो लोग जो हैं वो इस चीज़ को बड़ा माइंड करते हैं, तो हम थोड़े से मामले में भी केयरफुल हैं, बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल डू इन आवर ओन स्टाइल, तो उस पर भी बातें हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। और इंस्टाग्राम लिंक हमने शेयर कर दी है, आप हमसे वहाँ पर भी बात कर सकते हैं, हमें वहाँ पर भी फॉलो करें और वहाँ हम आपकी जो बातचीत है वहाँ ज़रा गौर से सुन लेंगे क्योंकि कमेंट्स में आप थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। चले खैर इंशाल्लाह आपसे फिर होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहे आप सबको बहुत मुबारक से बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो अपनी इमान में रखे और अल्लाह ताला सब की जिंदगी में रहते रहें कि हमें आज़ादी मिली और अल्लाह ताला सबकी जिंदगियों में जो है वो आसानी पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 2016, एक ख्वाब एक हकीकत, एक रोशनी एक वादा इस मुल्क से वफा करने का जो हमें अभी पूरा करना है। मेरे मुल्क का हर इंसान कह रहा है तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के वो दिन 50,000। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना।